वेलकम टू आवर चैनल। आज हमने मटका कुल्फी बनाई है, चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गर्मियों के मौसम में सबकी फेवरेट आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क। इसे बनाना शुरू करते हैं। एक बर्तन में हमने 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क ले लिया है। अब इसे गैस ऑन करके बॉईल करना स्टार्ट करते हैं। बॉईल होकर 3/4 क्वांटिटी तक जा चुका है। अब हम इसमें शुगर ऐड करते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसे चलाते रहेंगे जब तक शुगर मेल्ट हो जाते हैं। फिर इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। सबसे पहले हमें जहां पर अपनी कुल्फी को सेट करना है तो ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देते हैं, सोना तो ओरिजिनल ड्राई फ्रूट लगे। थोड़ा सा टैप कर देते हैं सो दैट ये बेस तक चला जाए। बेस में भी सिर्फ ड्राई फ्रूट से देखा आपकी इसकी एयर भी निकल आए, इससे वो ड्राई फ्रूट्स के नीचे तक अच्छे से मिक्स हो जाएगा। सब ड्राई फ्रूट्स नीचे सिर्फ अगर अगर इस हिसाब से ड्राई फ्रूट्स आप हो जाते हैं। अब ये मिक्स हो गया है, फिल कर देते हैं। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। कुल्फी एट द कंफर्ट ऑफ योर होम कभी भी एंजॉय कीजिए। टूथपिक को सेट कर देते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल की हेल्प से वो इजीली यहाँ पर सेट हो जाती है, स्ट्रेट खड़ी रह जाएगी। फ्रीजर में सेट हो जाने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे, बट ये टूथपिक काफी कंफर्टेबल है इसको बाद में कुल्फी फॉर्म देने के लिए कटिंग करते वक्त। फ्रीजर में रख देते हैं, जब वो सेट हो जाएगी इसकी कटिंग कर लेंगे।
हमारी मटका कुल्फी फ्रीज हो चुकी है। अब हम इसकी डी मोल्डिंग कर लेते हैं। वाओ, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से जमी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आप देख सकते हैं इसे डीमोल्ड करना कितना इजी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं नाइफ कितना इजीली नीचे जा रहा है, वो कितनी सॉफ्ट है। कुल्फी बनकर रेडी है। ट्राई फॉर ट्रीट एट द कंफर्ट ऑफ योर होम।